स्पाइनल स्टेनोसिस क्या है, स्पाइनल स्टेनोसिस और स्लिप डिस्क सेम है क्या, हर स्पाइनल स्टेनोसिस को सर्जरी जरूरी है क्या, ऐसे कई बार कई पेशेंट्स हमसे सवाल पूछ चुके हैं। तो चलिए आज बात करते हैं इन डिटेल स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस के बारे में। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ईशान नेरकर, मैं ब्रेन और स्पाइन सर्जन हूं और मैं नासिक महाराष्ट्र यहां प्रैक्टिस करता हूं। तो स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस क्या होता है ये जानने के लिए सबसे पहले हम नॉर्मल स्पाइन देखेंगे एक शॉर्ट वीडियो में। बेसिकली जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो इस स्पाइनल कैनाल से जाती है, इस कैनाल को हम बोलते हैं स्पाइनल कैनाल, इसी से निकलती है ये दोनों नसें, ये होती है आपकी वर्टिब्रल बॉडी और ये होती है आपकी डिस्क। तो यूजुअली जो स्पाइनल कैनाल होती है वो काफी ब्रॉड होती है, स्पाइनल कॉर्ड के बाजू में अच्छी खासी स्पेस होती है जो CSF से फिल्ड होती है। अब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिस्क डिजेनरेट होती है, जो यहाँ लिगामेंट्स होती है वो लिगामेंट थिक हो जाते हैं और जैसे जैसे ये थिक होना चालू हो जाती है जो कनाल होती है उसकी डायमीटर छोटी होने लगती है, वो छोटी होने की वजह से स्पाइनल कॉर्ड पे प्रेशर आता है, इस कंडीशन को हम बोलते हैं स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस। अब बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑप्शंस इन स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस को सर्जरी जरूरी हो, डिपेंड करता है कि डिग्री ऑफ स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस कितना है। अगर माइल्ड स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस है, सिम्टम्स लिमिटेड है, तो 101% पेशेंट को मेडिकल लाइन ऑफ मैनेजमेंट ट्रायल देना चाहिए, मेडिकल मेडिसिन चालू करना चाहिए, फिजियोथेरेपी चालू करना चाहिए ताकि ये डिजीज आगे प्रोग्रेस ना हो। और कई बार देखा जाता है कि विथ मेडिकल लाइन ऑफ मैनेजमेंट और गुड फिजियोथेरेपी ये पेशेंट्स काफी कंट्रोल में रहते हैं। जिन पेशेंट्स में सिवियर स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस है, जिन पेशेंट में सिम्टम्स बहुत ज्यादा है या फिर स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस की वजह से अगर वीकनेस डेवलप हो चुकी है, ऐसे पेशेंट में यूजुअली सर्जरी काफी इफेक्टिव होती है, सर्जरी 101% सेफ होती है। आज की दौर में विद गुड टेक्नोलॉजी सर्जरी बहुत ही कंफर्टेबल और सुरक्षित हो चुकी है। अब दूसरा सवाल आता है कि क्या हर स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस में फ्यूजन सर्जरी जरूरी है क्या? तो ऐसा नहीं है। अगर आपकी मसल्स अच्छी है, अगर आपका जो स्पाइनल का जॉइंट होता है वो अगर अच्छा है, तो आपके सर्जन प्रेफर करेंगे कि एक छोटा सा ऑपरेशन करके स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस को ट्रीट किया जाए। पर अगर आपकी जॉइंट ओवरलोडेड है, अगर आपका जॉइंट फैसेट आर्थ्रोपति है, तो ऐसे पेशेंट्स में अगर आपका स्पाइनल डायनामिक एक्सरेज पे मूवमेंट अगर दिख रही है, तो ऐसे पेशेंट्स में यूजुअली फ्यूजन सर्जरी प्रेफर की जाती है। तो सर्जरी किस टाइप की होनी चाहिए, सर्जरी में स्क्रू रॉड की सर्जरी जरूरी है क्या, ये डिसीजंस डिपेंड करेंगे आपकी सर्जन की प्रेफरेंस के ऊपर, आपकी MRI के ऊपर, आपके क्लिनिकल सिम्टम्स के ऊपर। तो ये था आज की टॉपिक के बारे में कि स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस क्या होता है और इसमें ट्रीटमेंट ऑप्शंस कैसे। अगर इस टॉपिक के बारे में या फिर स्पाइन रिलेटेड कोई भी इशू के बारे में आपको अगर अधिक जानकारी चाहिए, तो नीचे दिए हुए नंबर्स पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। धन्यवाद।